दोस्तों अभी रिसेंटली ये न्यूज वायरल हो रही है कि पृथ्वी को उसका दूसरा चंद्रमा मिल गया है और ये कोई मजाक की बात नहीं है। Earth is getting a second moon. Second moon. देखो जब आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ की क्रिएशन हुई थी ना, तब हमारी ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला एक मूनलेस प्लैनेट था, जिसकी क्रिएशन के कुछ मिलियन साल बाद ही मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह इससे टकरा गया और इस कोलिजन से जो डस्ट स्पेस में रिलीज हुई थी वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक हिस्से पे इकट्ठा हो गई और संरचना हुई पृथ्वी के इकलौते चंद्रमा की। हालांकि अगर आप खबरों को क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे तो आपने कई जगह ये सुना होगा कि अब पृथ्वी के पास उसका दूसरा चांद आ चुका है और इंडियन मीडिया जैसे NDTV से लेकर space.com जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज तक इस खबर को हर किसी ने रिपोर्ट किया है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमें वो आसमान में दिख क्यों नहीं रहा है? आखिर ये मून है कहाँ पे और लास्टली क्या ये हमेशा हमारे साथ रहेगा? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। जब आप प्राचीन रोमन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसी कहानियां मिलेंगी जिसमें प्राचीन रोमन एम्पायर के लोगों ने आसमान में दो मून्स देखने की बात कही है, जिनमें से सबसे फेमस घटना है साल 217 की। हुआ क्या था कि रोमन सोल्जर्स जब कैपिना में हैनिबॉल्स के खिलाफ बैटल ऑफ लेक त्रासिमीन लड़ रहे थे, तभी उन सैनिकों ने आसमान में दो चंद्रमा देखे थे, जिन्हें देखने के बाद उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि अब वो युद्ध हार जाएंगे क्योंकि ये ईश्वर का संकेत है। और ठीक ऐसा हुआ भी। बैटल ऑफ लेक त्रासिमीन में रोमन्स हार गए थे और हैनिबॉल की सेना जीत गई थी। अब रोमन सेना ने उस दिन जेन्युइनली दो चंद्रमा देखे थे, इतिहासकारों ने इसके पीछे कोई क्रिप्टिक इन्फो छिपाई है या उस दूसरे चांद के पीछे हैनिबॉल्स की कोई साजिश थी रोमन्स का मनोबल गिराने की, ये ऑनेस्टली एक डिबेटेबल टॉपिक है, पर इसी तरह से इतिहास दो चंद्रमाओं की बातों से भरा पड़ा है और यही रीजन है कि क्लैरिफिकेशंस के लिए आगे बढ़ने से पहले कोर लेवल पे ये समझो कि मून आखिर होता क्या है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ एक ऑर्बिट में उसके चक्कर काटता है ना, वो मून कहलाता है। जैसे कि हमारा मून हमारी पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, यूरोपा जुपिटर का चक्कर काट रहा है, वैसे ही एक प्लैनेट के अराउंड एक निर्धारित ऑर्बिट में उसके चारों ओर रिवॉल्यूशन करने वाली हर चीज कहीं ना कहीं उसका मून कहलाता है। फिर चाहे उस ऑब्जेक्ट को प्लैनेट ने आउटर स्पेस से अपने ऑर्बिट में कैप्चर करके रखा हो या फिर वो प्राकृतिक रूप से उसी का पार्ट हो। और मून की इसी सेटल डेफिनेशन की वजह से फेमस डैनिश फिजिसिस्ट हेल्ज क्रॉग ने साल 2009 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था टाइटल्ड द सेकेंड मून ऑफ द अर्थ। और इस रिसर्च पेपर में उन्होंने इसी आइडिया की नोन हिस्ट्री से लेकर के साल 2009 तक की सारी प्रोग्रेस को मेंशन किया था। 26 जून 1909 के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे इस आर्टिकल जिसमें मून के अर्थ द्वारा कैप्चर किए जाने की बात और फिगर्स प्रेजेंट किए गए हैं, इसे लेकर फ्रेडरिक पेटिट के दूसरे मून खोजने के फॉल्स क्लेम थे। इसमें हर उस सेकेंड मून इंसिडेंट का जिक्र मिलता है और इसी के बारे में और ढूंढते हुए हमें NGC का ये आर्टिकल भी मिला जिसमें ये बताया गया है कि कुछ कंप्यूटर मॉडल्स में जब लूनार बिहेवियर का डेटा फीड किया गया तो उनकी रीडिंग्स ने ये सजेस्ट किया कि मून के अर्ली पीरियड में उसका एक कंपेनियन भी पृथ्वी के चक्कर काटता था। और हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट इवेंचुअली वो कंपेनियन ऑब्जेक्ट लूना के साथ कोलाइड होने के बाद डिस्ट्रॉय हो गया और उसके डिब्रीज कहीं गायब हो गई। अब दोस्तों आप मून के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब जानने का जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं। क्या ये सच है कि अर्थ को उसका दूसरा मून मिल गया है? तो वेल, इसका जवाब है जी हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है, मगर ये सच्चाई भी केवल 25 नवंबर तक ही सच बनी रहेगी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये छोटा सा जो पत्थर जैसा एस्ट्रॉइड दिख रहा है ना, यही हमारा सेकेंड मून है। और ये कहानी आज नहीं बल्कि 7 अगस्त के दिन शुरू होती है। तो देखो 7 अगस्त 2024 के दिन हवाई के हालिया काला ऑब्जर्वेटरी में नासा के एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी कि एटलास ने इसे अर्जुन एस्ट्रॉइड बेल्ट से आते हुए स्पॉट किया। अर्जुन एस्ट्रॉइड बेल्ट पृथ्वी के बहुत पास करीब 45 लाख किलोमीटर दूर मौजूद एक ऐसी एस्ट्रॉइड बेल्ट है जहां पर ऐसे बहुत से नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो अर्थ के काफी सिमिलरली एक्ट
करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स भी हमारे ही सूरज के उतने ही ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में रहते हैं जितना इन्फ्लुएंस हमारी पृथ्वी पे पड़ता है, और यही कारण है कि ये एस्ट्रॉइड भी सूर्य का चक्कर अप्रोक्सीमेटली 1 अर्थ ईयर में ही काटते हैं। अब देखो, हमारी पृथ्वी भले ही बहुत ज़्यादा मैसिव ना हो, मगर फिर भी इतनी इन्फ्लुएंशियल तो है ही कि अपने बहुत क्लोज मौजूद ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच ले। अब आखिरकार इसी ग्रेविटी की वजह से तो लूना जैसे शियर ऑब्जेक्ट्स पिछले 4.5 बिलियन साल से धरती का चक्कर काट रहा है। और दोस्तों, पृथ्वी की यही ग्रेविटी कई बार इस पास मौजूद अर्जुन एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को इनके रेगुलर ऑर्बिट से पुल करके अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ले आती है, जिस वजह से यह एस्ट्रॉइड भी अर्थ जैसे स्ट्रांग ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस में आने के बाद ठीक वैसा ही एक्ट करने लगता है जैसे कि कोई मून अपने पैरेंट प्लैनेट के चारों तरफ करता है। और चूंकि इस पीरियड के दौरान ये ऑब्जेक्ट्स मून की उस सटल डेफिनेशन को फॉलो करने लगते हैं, इसीलिए इन्हें एज ए सेकेंड मून कंसीडर किया जाने लगता है। और इस 2024 PT5 के साथ भी यही हुआ। करीब 10 मीटर का यह एस्ट्रॉइड भी अपने रेगुलर ऑर्बिट को फॉलो कर रहा था, पर इसी दौरान 29 सितंबर के दिन जब यह पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास से गुजरा तो इसकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी कि यह अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर पाए, जिस वजह से यह पृथ्वी के ऑर्बिट में फंस गया। और इस वीडियो में विजुअलाइज ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए करीब 25 नवंबर के दिन अर्थ का नियरली एक चक्कर काट लेने के बाद वेलोसिटी का इस्तेमाल करके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा और फिर एक रेगुलर एस्ट्रॉइड की तरह अपने पाथ पे कंटिन्यू करेगा, और फिर हमारी अर्थ वापस से एक सिंगुलर मून वाला नॉर्मल ग्रह बन जाएगा। नाउ ये एक बहुत ही रेयर इवेंट है, और साल 2024 में एस्केप करने के बाद ये एस्ट्रॉइड अब ऐसा बिहेवियर वापिस से साल 2055 में शो करेगा, करीब 31 साल बाद। बट यू माइट बी थिंकिंग कि 29 सितंबर को बीते तो हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया है, तो ये मून भला आसमान में दिख क्यों नहीं रहा है? तो इसका जवाब साइंस से नहीं, कॉमन सेंस से मिलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एस्ट्रॉइड केवल 10 मीटर का है, और 10 मीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट 45 लाख किलोमीटर दूर से किसी को क्या ही दिखेगा। ऊपर से ये बना भी ऐसे लेस रिफ्लेक्टिव डल रॉक से है कि अगर आप टेलीस्कोप से भी इसे स्पॉट करना चाहोगे तो भी आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। इसे सिर्फ किसी प्रोफेशनल ऑब्जर्वेटरी में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स द्वारा ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिस वजह से नॉर्मल ऑडियंस को तो भनक भी नहीं लगेगी कि इस वक्त धरती के पास दो दो चांद मौजूद है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर अर्जुन बेल्ट और अर्थ हमेशा से उसी जगह पर रहे हैं तो क्या इससे पहले कभी कोई एस्ट्रॉइड सेकंड मून बन के अर्थ के ऑर्बिट में नहीं फंसा है? तो देखो, अगर इतिहास की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो अर्थ द्वारा जबरन पकड़े गए हैं। अब जितना हमने ढूंढा, इसका सबसे पुराना रिकॉर्ड साल 2006 में मिला एक ऐसे एस्ट्रॉइड का जिसका नाम था 2006 RH-120। और रिपोर्ट्स के बारे तो केवल 2 से 3 मीटर की इस ऑब्जेक्ट ने जुलाई 2006 से लेकर 2007 तक करीब 1 साल अर्थ को ऑर्बिट किया था और फिर एस्केप कर गया था। इसके बाद 2020 CD3 भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट था जो प्रेडिक्टेड ट्रेजेक्टरी के हिसाब से करीब 2016-17 से पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा था और फिर 7 मई 2020 के दिन पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल गया था। लास्टली वी फाउंड 2022 NX-1 जिसका साइज भी करीब 10 मीटर ही था 2024 PT5 जितना, मगर इसने पृथ्वी का चक्कर काटना 11 जून 2022 के दिन शुरू किया था और 3 जुलाई 2022 के दिन इसी ऑर्बिट से बाहर भी निकल गया था। अब एक चीज यहाँ पर आप जो नोटिस करेंगे वो ये है कि इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी लंबे समय तक अर्थ को ऑर्बिट नहीं करता, सबके सब ज्यादातर 1 से लेकर 6 महीने करते हैं, और कोई बहुत ही किस्मत वाला हो तो 3 से लेकर 4 साल तक, जिस वजह से ये जो पॉसिबिलिटी है कि अर्थ कभी किसी दूसरे चंद्रमा को अपने ऑर्बिट में रख भी पाएगा या नहीं, ये बहुत ही कम हो जाती है। हालांकि दोस्तों, इन सभी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था जिसने अर्थ का पूरा ऑर्बिट काटा था, बाकी सब के सब ऑर्बिट कंप्लीट करने से पहले ही हॉर्सशू मूवमेंट करके अर्थ के ऑर्बिट को एस्केप कर गए थे। अब दोस्तों, अर्थ का कंप्लीट ऑर्बिट काटने वाला वो इकलौता ऑब्जेक्ट आखिर कौन सा था, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जरूर बताना। वैसे क्या आपने ये सेकंड मून वाला न्यूज कहीं पर देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और उन्हें भी बताओ कि पृथ्वी के पास इस समय पर दो दो चांद है। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना जिसमें हमने बात किया है यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में, जो कि बेहद ही जल्द होने वाला है। एक ऐसा मिशन जिसमें हम ये खोज करने वाले हैं कि यूरोपा के मोटे बर्फ के नीचे आखिर क्या छिपा है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, यहाँ पर टैप करके देखो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।